उसके बाद हमारे पास आ गया है एक न्यू कैरेक्टर गाइस, उसका नाम गाइस लीला। मैं आपको भाई लीला का भाई बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसे आप लोग यूज करके भाई आप लोग यहाँ पास तबाही मचा सकते हो बीआर रेन में गाइस। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और जो भी वीडियो पर आ रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। चलिए मैं किस तरीके वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट में आपको यूज करना है लीला को गाइस। अदर वाइज लीला का स्किल एक नहीं दो नहीं वही तीन चार इसका स्किल है। पहला स्किल क्या है, आप लोग कोई भी राइफल गन से मारते, जैसे M4 हो गया, M40 हो गया, स्कार हो गया, ऐसे गन से आप लोग मारते हो तो बंदा क्या होगा, बंदा यहाँ पर उसका मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 10% कम हो जाएगा। उसके आप लोग गाड़ी को मारते होगा, ठीक है, गाड़ी को मारते हो आप लोग तो गाड़ी का मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 50% यहाँ पर कम हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर 3 सेकंड तक आप लोग बंदे की गाड़ी मारते रहोगे तो आपको उसको मूवमेंट स्पीड है वो यहाँ बस कम रहेगा। और आप लोग बंदे के यहाँ पर जैसे बंदे को नॉक करके या नॉक करोगे आप लोग को, तो आप लोग यहाँ बस एक गोल आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सोच सकते हो कितने सारे इसका एबिलिटी है, और इसका जो कूल डाउन समय है मात्र यहाँ पर 10 सेकंड है, और एक पैसिव कैरेक्टर है। अब मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लीला का यूज कर रहा था, अगर जैसे बंदे को मारूंगा ना उसका मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 10% यहाँ पर कम हो जाएगा। एक बंदे को नॉक कर दिया मैंने, एक और बंदा आया उसको देखो, उसको नॉक किया, सामने बंदे एक और बंदा आया, देखो उसने यहाँ पर तस्टुया का यूज किया, मैंने बंदे को डैमेज दिया, ये भी बंदा यहाँ पर नॉक हो चुका है, यहाँ पर तीन बंदे यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। लीला है ना गाइस काफी खतरनाक कैरेक्टर है यार, आप लोग एक बार यूज करके जरूर से आप लोग देख लेना गाइस। और ये वाला कॉम्बिनेशन भाई सबसे खतरनाक है, अगर आप लोग फेंक सकते करते हो तो आप तो भाई ओसम कैरेक्टर है यार। अगर आप लोग सोलो स्क्वाड भी खेलते हो ना तो अभी आपको लीला कैरेक्टर है वो आपको भाई आराम से आप लोग वही यहाँ पर मैनेज कर लोगे। अब देखो एक बंदा और आया, इसको भी मैंने डैमेज दिया, और देखो एक बंदा है उसको वाल लगाया, देखो बंदा भागा भाई, उसका जैसे मैंने उसको डैमेज दिया ना बंदे का मूवमेंट स्पीड स्लो हो गया, उसके साइड से बंदे को मैंने मार पाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो व्हीकल से जा रहा है गाड़ी, देखो व्हीकल डैमेज दिया मैंने, देखो उसका मूवमेंट स्पीड देखो भाई कितना यहाँ पर स्लो हो चुका है। आप लोग गाड़ी को आप लोग आराम से फोड़ सकते हो, और जैसे बंदे को मैंने नॉक किया ना मेरे को एक ग्लोबल एक्स्ट्रा मेरे को मिल चुका है, 2 ग्लोबल था मेरे पास, यहाँ पर 3 ग्लोबल हो चुका है। और जैसे बंदे को फिनिश करूंगा ना उसके बाद मेरे एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर ग्लोबल मिलेगा, आप लोग देख सकते हो 4 ग्लोबल हो चुका है। तो आप लोग भाई लीला का यूज करना है। आप देखो लीला के साथ आप लोग भाई एक्टिव स्किल और यहाँ पर पैसिव स्किल में कौन कौन सा स्किल का यूज करना है आप लोग पहले तो देख लो। अब देखो मैंने यहाँ पास इतने सारे एक्टिव का यूज किया है गाइस, बता रहा हूँ यार मैं एकदम कंफ्यूज था कि कौन सा एक्टिव है जो सबसे बेस्ट रहेगा इतने सारे कैरेक्टर में से। भाई ये बता रहा हूँ भाई आप लोग, देखो रात को यहाँ पास भाई 11 बज गए थे, मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड कर रहा था और मैं कंफ्यूज था कौन सा कैरेक्टर का यूज करे, तो मैंने सारे कैरेक्टर का यूज किया मैंने, और सबसे बेस्ट बता रहा हूँ सबसे बेस्ट लगा मेरे एक्टिव कैरेक्टर में वो है गाइस यहाँ पर डीजे आलोक। गाइस डीजे आलोक पर्सन यार वो तो बेस्ट है गाइस, क्योंकि भाई आप डीजे आलोक का यूज करोगे और देखो सबसे जैसे आप लोग बंदे को मारोगे तो उसका मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 10% कम हो जाएगा, और आप लोग डीजे आलोक का यूज करके ना तो आप लोग भाई मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 15% हाई रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग बंदे को रफ करके बंदे को आप लोग इजीली मार सकते हो। और इसका जो कूल डाउन है इस मारते यहाँ पर 45 सेकंड है, और आपका HP यहाँ पर कम रहेगा, तो आपको HP भी दे देता है यहाँ पर डीजे आलोक। अब देखो मैं डीजे आलोक का यूज कर रहा यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर उतरा था और यहाँ पर भाई पूरा स्कोर यहाँ पास उतरा था, जैसे आप ऊपर गया मैं ऊपर, एक बंदा ऊपर आया इसको मैंने डैमेज दिया, उसके पास भी गन था मेरे पास भी गन था, देखो उसने भी मेरे को काफी डैमेज दिया, मैंने डीजे आलोक का यूज किया और आप लोग देख सकते हो मेरा मूवमेंट स्पीड है कितना हाई हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। और मैं यहाँ पर डीजे आलोक का यूज करता साथ में आपस में यूज कर रहा था लीला का यूज कर रहा था। अब देखो जैसे बंदे को पीछे बंदे आया, और फिर देखो फिर इसको क्या हुआ, इसको डैमेज दूंगा, इसको थोड़ा डैमेज दिया, बंदे का बस मूवमेंट स्पीड यहाँ पर 10% कम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सामने वाला बंदा है ना उसको यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई मेरा मूवमेंट स्पीड है वो यहाँ पर कम हो चुका है। अगर यहाँ पर 2-3 बंदे को मैंने भाई काफी इजिली बंदे को मैंने मार दिया गई, और यहाँ पर एक और यहाँ पर 2-2 बंदे और थे, एक बंदा तो भाग गया था और एक बंदा यहाँ पर छिपा था गई, इस बंदे को मैंने हेडशॉट मार के बंदे को नॉक कर दिया। तो क्या करना है आपको, जो एक्टिव में यूज करना है गाइस उसका नाम है गाइस डीजे आलोक, आपको यूज करना है सबसे बेस्ट एक्टिव स्किल है गाइस। अब देखो हमने डीजे आलोक का यूज कर लिया है,
अब यहाँ पर दो पैसिव स्किल है, उसमें हम लोग और कौन कौन सा स्किल का यूज करें। तो बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर स्किल की। तो सेकंड कैरेक्टर स्किल आपको यूज करना है लूना का गाइस, ठीक है। लूना का आप लोग यूज करेंगे ना, तो ये लूना क्या करेगा, आपको यहाँ पर गन का रेट ऑफ फायर को 8% यहाँ पर बढ़ा देगा। उसी के साथ आपको जो मूवमेंट स्पीड है उसको और यहाँ पर 15% बढ़ा देगा। सोच सकते हो आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो यहाँ पर 30% हो जाएगा। आप लोग भाई बता रहे हो संभाल नहीं पाओगे, सोच रहे हो संभाल नहीं पाओगे, इतना आपका मूवमेंट स्पीड हो जाएगा। और आप लोग भाई क्यों चकमा जाओगे, भाई मेरा मूवमेंट स्पीड इतना हाई क्यों हो गया है। और आप लोग देख दो भाई, अगर आप लोग दो तीन बंदे आ गए ना, तो आप लोग डीजे अलॉक का यूज करके भी आप लोग भाई कवर में जा सकते हो। ये प्लस पॉइंट है। अगर मैं कवर में आ गया और क्या कि वो बंदे ने भाई मेरे देखो मैं अकेला था ना, दोनों बंदे यहाँ पर रश कर दिए, एक बंदे को नॉक किया और उसको क्या करूंगा, उसको क्लियर ही कर दूंगा। जैसे क्लियर किया ना, अब उस सामने में एक और यहाँ पर नीला कैरेक्टर का यूज कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया और देखो ये नीला कैरेक्टर भाई काफी खतरनाक भाई, देखो भाई काफी मेरे को डैमेज दिया भाई। आप लोग देख सकते हो मेरा एचपी एकदम से यहाँ पर जीरो कर दिया था मैंने भाई, बंदे को काफी इजी देखो काफी मुश्किल से भी बंदे को मैंने मारा। आप लोग देख सकते हो मेरा मूवमेंट स्पीड जैसे बंदे को नॉक किया था ना, यहाँ पर जो है लूना मेरे को भाई मूवमेंट स्पीड यहाँ पर हाई कर दिया था। इसलिए आपको यूज करना है गाइस, लूना को आपको यूज करना है। और आप लोग देख सकते हो कि लूना को आप लोग यूज करोगे तो आपका जो गन का रेट ऑफ फायर है वो तो हाई रहेगा रहेगा, जिससे आप लोग बंदे को चुटकी में बंदे को आप लोग मार सकते हो। देखो एक बंदा अंदर आया, देखो काफी स्पीड से बंदे को मैं मार रहा हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो एक और बंदा आया उसको काफी यहाँ पर डैमेज पड़ा। मेरे पास था आया ग्रेनेड था, कुक किया उसको 50 का उसको डैमेज भी लगा गाइस। आप लोग सोच सकते हो कि इतना खतरनाक कैरेक्टर है लूना कैरेक्टर। तो आपको यूज करना है लूना को, आपको यूज करना है अपने सेकंड कैरेक्टर स्किल में गाइस। अब देखो लूना को हमने यूज कर लिया है, डीजे अनुप का यूज कर लिया है, हमारा मूवमेंट स्पीड इतना हाई चुका है कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में हम लोग एक्यूरेसी के लिए हम लोग बेस्ट कैरेक्टर स्किल हम लोग ढूंढेंगे गाइस। तो क्या करना है आप लोग को, जो लास्ट कैरेक्टर स्किल है गाइस उसमें आपको यूज करना है डीवी कैरेक्टर को गाइस। आप लोग डीवी कैरेक्टर को लगा लोगे गाइस तो बता रहा हूँ गाइस आपका जो मूवमेंट स्पीड हाई रहेगा रहेगा, उसके बाद आपका एक्यूरेसी गाइस वो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। क्योंकि भी आपका एक्यूरेसी है उसको 60% बढ़ाता है, और आप मूवमेंट करते करते आप लोग बंदे को मारोगे ना, तो आपका मूवमेंट स्पीड यहाँ पर और यहाँ पर 50% यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हो कि डीवी कैरेक्टर है वो कितना खतरनाक कैरेक्टर है गाइस। आप देखो मैं यहाँ पर डीवी का यूज कर रहा था गाइस, तो आप लोग डीवी का यूज करोगे ना, तो आप लोग का एक भी गोली आप बताओ, आप लोग का एक भी गोली इधर उधर नहीं होगा, पूरा गोली यहाँ पास बंदे को पड़ने वाला है। आप लोग देख सकते हो कितना स्पीड से भी बंदे को मैं मार रहा हूँ, बिना एक भी गोली यहाँ पास इधर उधर नहीं हो रहा है। देखो सामने बंदा आ, देखो भाई साहब क्या एक्यूरेसी है, खतरनाक एक्यूरेसी है। आप लोग एक बार यूज जरूर से करना डीवी कैरेक्टर को गाइस, अगर आप लोग भाई लीला का यूज करते हो तो समझ के नहीं। अगर आप लोग लीला का यूज करते हो तो आप लोग इस वाले कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो गाइस, काफी खतरनाक है यार बी आर रे न्यू सीजन के लिए। अगर आप फ्रेंड से करते हो तो अब तो भाई और भी यहाँ पर खतरनाक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आइए आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा यार, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो गए सब्सक्राइब कर देना यार ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देखने के लिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय गाइस।